आज के समारोह में लोकसभा में मेरी सहयोगी बहन भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बहन दर्शना जी, सूरत नगर निगम की महापौर हेमा लिमन बहन जी, सभी माननीय विधायकगण, आज के स्वागत समिति के पदाधिकारी मेरे मित्र प्रमोद चौधरी जी, कैलाश जी, दिनेश जी, नारायण जी, पेड़ीवाल जी, महेंद्र जी, दिनेश जी, बालकृष्ण जी, जिलाध्यक्ष जी, सभी पदाधिकारीगण और यहां पर आए विभिन्न संस्थाओं, व्यापारिक, औद्योगिक, सामाजिक, स्वयंसेवी संगठन के सभी भाई और बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि सब यहां पर एक खुशहाल और बेहतर जिंदगी जीकर दिखा रहे हैं। कैमचो मजा मचो। तापी नदी के किनारे बसा ये शहर, जिसकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यापार के कारण, अपने उद्योग के कारण, सामाजिक सेवा के कारण और महापौर जी ने सही कहा कि एक स्वच्छ शहर, एक हरा भरा शहर के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूरत की पहचान। ये सूरत गुजरात का वह शहर है जहां अलग अलग राज्यों के, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग धर्मों के, विचारों के लोग यहां पर आते हैं, लेकिन जन्म कहीं भी हुआ लेकिन कर्म के कारण सूरत के होकर रह जाते हैं। और ये शहर भी ऐसा है कि देश के किसी भी हिस्से से जो लोग यहां पर आए हैं उसको सूरत के लोगों ने भी उसी तरह के अपना कर, अपना भाई के रूप में, पिता के रूप में, बेटे के रूप में एक प्यार स्नेह दिया है कि वह आता तो अकेला है लेकिन कुछ दिनों के बाद वह सारे परिवार को लेकर सूरत में आ जाता है। ये इस शहर की खूबसूरत है। मुझे लगता है इस शहर में जो कोई भी आया कभी वापस नहीं गया, और जो आया वो व्यापार के रूप में, औद्योगिक के रूप में, सर्विस सेक्टर के रूप में, जिस क्षेत्र में भी काम करने आया, यहां का वरदान ही ऐसा है कि उसकी आर्थिक प्रगति हुई, सामाजिक जीवन में परिवर्तन हुआ, एक खुशहाल जीवन यहां का जिया उसने। और इसलिए मैं जब सूरत में देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक हंसता हुआ शहर, एक ऐसा समृद्ध खुशहाल शहर जहां पर हर क्षेत्र में एक समृद्ध रूप से प्रगति की है, और इसीलिए सामाजिक और आर्थिक रूप से ये शहर सही कहा कि दुनिया का बढ़ता हुआ शहर है, और आने वाले समय के अंदर
जिस तरीके से यहां के लोग कर्मयोगी के रूप में कड़ी मेहनत से, ईमानदारी से, अपनी पूरी ऊर्जा और सामर्थ्य से जिस क्षेत्र में भी यहां पर आए हैं, काम कर रहे हैं, व्यापार औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, आने वाले समय में ये देश और दुनिया का सबसे सामाजिक आर्थिक रूप से बढ़ता हुआ शहर होगा। आज सुबह जब मैं कोटा दिल्ली से बहुत जल्दी आया तो बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पे लोग थे, जबकि मैंने जो भी मेरे पास टेलीफोन आता था, मेरे सहयोगियों के पास टेलीफोन आता था, मैंने उनसे आग्रह किया कि मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं, आप एयरपोर्ट पर ना आए। लेकिन प्रमोद जी ने बताया कि लोग सुबह 5:30 बजे से बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पर आए। आप दिन भर जिस प्यार से, जिस स्नेह से मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं बहुत अभिभूत हूं कि ये शहर कितना प्यार और स्नेह देने वाला शहर है। और आज भी मैं देख रहा हूं कई संगठन के लोग, उनके प्रतिनिधि यहां पर आए हैं। ये गुजरात देश का वह प्रदेश है जहां की संस्कृति, जहां का गौरवशाली इतिहास सभी देश को प्रेरणा देने वाला है। ये वर्ष आजादी के अमृत वर्ष का वर्ष है और हम आजादी के 75 वर्ष होने पर पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में इस देश में समारोह कर रहे हैं। लेकिन जब अमृत महोत्सव और आजादी की बात आती है तो गुजरात की धरती, यहां का गौरवशाली इतिहास, यहां की आजादी के लड़ने वाले, आजादी का नेतृत्व करने वाले बाबू को याद के बिना हम सब अधूरे रहते हैं। किस तरीके से बापू ने यहां पर एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि दुनिया के जब मैं देशों में जाता हूं तो हमारे बापू महात्मा गांधी जी का जिस प्रति देश के अन्य हिस्सों, विश्व के अन्य प्रदेश, अन्य देशों के अंदर भी जिस तरीके से उनके प्रति समर्पण है, जिस तरह उनकी लड़ाई के प्रति लोगों को प्रेरणा मिलती है, किस किस तरीके से अपने सादगीपूर्ण जीवन से और दुनिया के अंदर उस समय जब अधिकतर देशों में अंग्रेजों का शासन था, अहिंसा के आधार पर आंदोलन चलाकर इस देश को आजाद किया। तो आज हम बापू को याद कर रहे हैं और बापू के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश को आजादी के बाद जो छोटी छोटी रियासतों के अंदर, छोटे छोटे राजाओं के अंदर शासन करते थे, कितना कठिन होगा कि पूरे देश को एक करने का। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति, जिनको लौह पुरुष भी कहते हैं, जिनको इस देश का एकता और संपूर्ण देश को एक करने के सामर्थ्य की शक्ति लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल में है। और इसीलिए इस आजादी की लड़ाई में चाहे गुजरात हो, चाहे देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से जिस तरीके से लोगों ने कुर्बानियां दी, बलिदान दिया,
देश को आजाद कराया। और आज जब देश आजाद हो गया है तो हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि हम आजादी के 75 वर्ष के पहले का इतिहास देखते हैं तो एक लंबे समय तक यहां मुगलों का शासन था, लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन था, और उन्होंने कोशिश की इस भारतीय संस्कृति को समाप्त करने की, लेकिन भारतीय संस्कृति को कोई समाप्त नहीं कर पाया, ना मुगल कर पाए ना अंग्रेज कर पाए। और इसलिए हमारे देश के अंदर हमारी प्राचीनतम संस्कृति है, हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र है, और इसीलिए आज हम कह सकते हैं कि उस गौरवशाली इतिहास, उस समृद्ध गौरवशाली परंपरा के कारण आज जब आजादी के 75 वर्ष हो रहे हैं तो हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम किस तरीके से इस देश के अंदर सामाजिक आर्थिक नए बढ़ते कदमों की ओर इस भारत को ले जाएं। ये बात सही है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में एक समृद्ध राज्य का विकास किया, हर क्षेत्र के हर वर्ग के, चाहे व्यापार में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे सामाजिक सेक्टर के अंदर हो, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, एक ऐसा समृद्ध विकास कि न्यू गुजरात में रखी, आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत को दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाला आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन करने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और यही कारण है कि दुनिया के अंदर भारत का गौरव बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। अब हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है इस अमृत महोत्सव में कि हम किस तरीके से सामूहिकता के साथ इस देश में समर्पित भाव से, समर्पण से, पूरी समर्थ शक्ति के साथ इस देश को आगे बढ़ाएं। और इसलिए जो भी जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई उद्योग में काम कर रहा है, व्यापार में कर रहा है, सभी सेक्टर में काम कर रहा है, सरकारी नौकरी में काम कर रहा है, किसान खेत में काम कर रहा है, मजदूर मजदूरी कर रहा है, जो भी जिस क्षेत्र में भी काम कर रहा है, हम सामूहिकता के साथ मिलकर इस अमृत महोत्सव के अंदर ये लक्ष्य बनाकर चलें कि जब हमारे आजादी के 100 साल हो, शताब्दी वर्ष हो, तो दुनिया के अंदर भारत सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक पंक्ति का देश हो। और ये हम सबके युवाओं सामर्थ्य ने करके दिखाया। आज मैं जब कई देशों में जाता हूं तो मैं देखता हूं देश के अंदर वहां आईटी के सेक्टर में, सीए के सेक्टर में, डॉक्टर के रूप में हमारा नौजवान उस देश के अंदर भी, उस देश की आर्थिक प्रगति में भी उसका बहुत बड़ा योगदान। और विशेष रूप से तो मैं जब गुजरात के लोगों को देखता हूं, मैं पिछली बार जहां जहां भी अफ्रीका के कई देशों में गया तो मैं जिस होटल युगांडा में ठहरा था, विधायक मोदी भी यहां पर थे, तो युगांडा में जिस होटल में ठहरा था मैंने पूछा ये होटल किसका है, तो उन्होंने कहा गुजराती का। आप कल्पना करो 500 600 साल पहले किस विकट परिस्थिति के अंदर वह अलग अलग देशों के अंदर पहुंचे होंगे, और किस तरीके से नवा की संस्कृति, नवा की भाषा, नवा के रहन सहन, लेकिन उसके बाद भी अपनी कर्मयोगी के कारण, अपनी मेहनत के कारण, अपने निश्चित सामर्थ्य और शक्ति के कारण, निश्चित लक्ष्य के कारण उन्होंने उस देश के अंदर भी वहां पर रहकर किस तरीके से एक कर्मयोगी के रूप में अपना स्थान बनाया। आज दुनिया के कई देश हैं जहां पर आप देखते होंगे कि आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान। ये सामर्थ्य और शक्ति गुजरात के लोगों की है।
मैं राजस्थान की धरती कोटा से आता हूं और मैंने पूछा कि मेरे मित्र लोगों से जो विशेष रूप से सिंधी समाज के लोग हैं, वो आता तो अकेला है लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि पूरा परिवार का परिवार यहां शिफ्ट हो गया। ये इस शहर की शख्सियत है, चाहे हरियाणा के हों, गुजरात के हों, चाहे यूपी हो, अलग अलग प्रदेशों के जितने भी लोग मुझे मिले सबने एक ही बात कही कि यहां के सब लोग हमें अपना मानते हैं, सब लोग हमें प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। हम सामूहिक रूप से हम अपने अपने धर्म, अपने अपने संस्कृति, अपने अपने त्योहार को मनाते हैं और सब सामूहिक रूप से एक दूसरे के त्योहार में आते हैं, संस्कृति में मदद करते हैं। और जब भी कोई संकट आपदा विपदा आ जाती है तब उस संकट आपदा विपदा में सामूहिकता के माध्यम से सेवा और पुण्य का काम करते हैं। इसलिए धरती सेवा पुण्य की धरती भी है। किस तरीके से कोरोना संकट के समय हमारे पूरे देश के अंदर सामूहिक संकल्प शक्ति के साथ हमने कोरोना चुनौती का मुकाबला किया, सूरत में भी उसी तरीके से अलग अलग प्रदेश के लोगों ने जिस तरीके से सामाजिक सेवा के माध्यम से यहां स्थान बनाया है, यहां के सामाजिक जीवन के अंदर परिवर्तन किया है, समाज के दीन दुखी गरीब व्यक्तियों की सेवा की है, इसके लिए मैं तमाम सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों, औद्योगिक संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों को विशेष रूप से साधुवाद देता हूं कि मैंने आज दिन भर कई लोगों से सुना, कोई विद्यालय में काम कर रहा है, कोई गरीब व्यक्तियों में काम कर रहा है, कोई मेडिकल चिकित्सा में काम कर रहा है, कोई पोषण में काम कर रहा है, अलग अलग सेक्टरों के अंदर जो जिससे बन सकता हो वह अपने कमाए धन को समाज को समर्पित कर रहा है। और यही हमारा अमृत महोत्सव का संकल्प है कि हम समाज में जो कुछ भी प्राप्त किया है हम समाज को समर्पण करेंगे और इस देश को आगे बढ़ाने में सामूहिकता से मिलकर काम करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद।